हमारे साथ आए हैं घास काटने। ए संजू गा हटो, हमको नहीं दे रहे हैं ककड़ी। ओए सो गाइज, फाइनली मैं घर से पहुंच गई हूँ जहाँ पे काट रहे हैं हम घास। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, सासू जी पहले आ गए थे, तो क्योंकि मैं नहा रही थी और कपड़े वपड़े धोए तो लेट हो गया था मेरे को। चलिए फिर दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के हमारे YouTube चैनल पे। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो अभी मैं जस्ट पहुँच रही हूँ घर से जहाँ पर हम घास काट रहे हैं। सासू जी आ गए थे पहले, तो चलिए फिर आपको घास काटने से पहले एक बार दिखा देते हैं आज का मौसम। मौसम की बात करी जाए तो आज मौसम थोड़ा सा बादल लगा है और धूप भी नहीं आ रखी है। पता नहीं आती है नहीं आती है, शायद आ जाएगी। अभी तो बादल लगा है, ठंडा भी लग रहा है। मैं नहा के आई हूँ तो आज पता नहीं, आजकल सुबह सुबह ठंडा भी हो रहा है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको आज का मौसम। अब हमारा दोस्तों थोड़ा सा बचा है, इसके बाद पता नहीं काटते हैं नहीं काटते हैं। सासू जी कहीं अल्ला लो तो फाइनली दोस्तों हमारा थोड़ा सा बचा है इतना, उसके बाद पता नहीं क्या करते हैं फिर। अब काटते हैं नहीं काटते हैं ये पता नहीं है। आज हम आए हैं गाइज घास काटने, 17 दिन। 17 दिन में आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा, इसके बाद पता नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, इसका कुछ पता नहीं है। वैसे जितना था हमारा और थोड़ा सा लोगों का काट दिया है, और थोड़ा सा है और लोगों का, पता नहीं काटते हैं नहीं काटते हैं। तो आज हमारा 17 दिन में कंप्लीट हो गया है घास काटना, गाजू काटना। आज से गाजू काटना ख़त्म, गाजू भी ख़त्म होने वाला है आज। शाम को बांधेंगे जो ये सुखाने डाला है और इसका बनाएंगे लूड। उसके बाद मैं जा रही हूँ गाइज अपने मायके, क्योंकि वहाँ पूजा है। फाइनली आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ख़त्म हो गया है गाजू काटना करके। तो 17 दिन में कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज फाइनली सासू जी करने लग गए हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि सासू जी आज घर से खा के नहीं आए थे तो भूख लगी है बोल रहे हैं, खाने लग गए हैं। थोड़ा सा काटा सासू जी ने, मैं तो अभी पहुँच रही हूँ। चलिए फिर मैं भी खा लेती हूँ, एक बार कर लेते हैं पेट पूजा, फिर उसके बाद काटेंगे घास। ये देखिए लौकी की सब्जी और रोटी मट्ठा भी लेके आई हूँ मैं। ये देखिए मट्ठा, लौकी की सब्जी, रोटी, ये देखिए केले, कल हम कहीं से लेके आए थे नीचे अम्मा के वहाँ से। वाह, आज लास्ट बार खाएंगे हम ऐसी जगह पे, मिस भी करेंगे और खुश भी हो रहे हैं, क्या बात है। अब काटते काटते हमको 17 दिन हो चुके हैं, तो याद भी करेंगे कि यार हम वहाँ खाना खाते थे जहाँ हम गाजू काटते थे करके, और याद भी आएगी और खुश भी हो रहे हैं ख़त्म हो चुका है करके। साथ में खाने में जंगल में जहाँ हम घास काटते हैं ताईजी लोगों के साथ, और खाने में अलग ही मज़ा होता है। घर में तो हम रोज़ ही खाते हैं, तो हम इस जगह पे खाने को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। अलग अलग चीज़ खाते थे, कभी केले, कभी सेब, कभी ककड़ी, अलग अलग प्रकार की सब्जी, रोटी, भात, मिस करेंगे आज से। पहाड़ों में यही बात होती है कि हम कहीं काम करने जाते हैं, घास काटने गाजू काटते हैं, तो वहीं खाना खाते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है पहाड़ों में। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है साथ में खाने में। चलिए फिर मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ आपको अभी बाद में। चलिए फिर दोस्तों, हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, अब करते हैं घास काटने की कार्यवाही।
चलिए फिर लास्ट दिन की कार्यवाही कर लेते हैं, गाजर काटने की कार्यवाही। चलिए फिर, तो दोस्तों अब थोड़ा सा बचा है, ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा बचा है। अब नीचे को भी काट दिया है, ऊपर को कल काट दिया था, ऊपर सुखाने डाला है, उसको बांधेंगे फिर अभी एक जगह इकट्ठा करेंगे, शाम के टाइम पे लूट लगाएंगे। आ तन लागू आई आ ले है नबला दाहौले है नबला पत्तन। अभी कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर काटेंगे थोड़ा जो बचा है अब, फिर उसके बाद बांधने का काम करेंगे और एक जगह इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो अब मैं खा रही हूँ गाइज कुरकुरे, ये देखिए चलिए फिर दोस्तों रेस्ट भी कर लिया है, पानी भी पी लिया है, चलिए इसको करते हैं ख़त्म जो बचा है घास काटना। सो गाइज फाइनली हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, काट के जो बचा था वो भी काट दिया है। अब हम जा रहे हैं ऊपर गाजर बांधने के लिए और एक जगह इकट्ठा करने के लिए, नीचे ले जाएंगे घर के वहाँ पे। चलिए फिर चलते हैं, बांधेंगे एक बार फिर करेंगे इकट्ठा। ये देखिए पूरा काट दिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर जो कल काटा था उसको बांधने के लिए, जहाँ से आपको कटा हुआ दिख रहा है वहाँ से यहाँ तक बांधने हैं सारा। तो दोस्तों हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर बांधेंगे अभी थोड़ी देर में, थकान होगी है पता नहीं, पीठ में दर्द, हाथों में दर्द, तन की हो रही, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं यहीं पर, लेट जाती हूँ, थकान से नींद आ जाएगी अभी यहीं पर। सो गाइज फाइनली आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आई एम सो हैप्पी, आज हमने कर दिया है कंप्लीट काट के। अब हम खाते हैं एक बार केला और पानी पी के जाते हैं, फिर बांधेंगे के ना। तो दोस्तों चले गए हैं सासू जी बांधने के लिए, चलिए फिर मैं भी चलती हूँ एक जगह इकट्ठा करती हूँ घर के वहाँ पे। चलिए फिर जाते हैं, यहाँ से नीचे ले जाने मैंने, तो मेरा काम ये रहेगा सासू जी का बांधने का काम रहेगा। तो फाइनली आज लास्ट दिन है, इस दिन को कर लेते हैं, कल से तो फिर ख़त्म। तो हम इस टाइम को मिस भी करेंगे, क्योंकि मिस इसलिए करेंगे क्योंकि खाना पीना एक साथ में खाना, ताई जी लोगों के साथ हंसी मजाक और खुशी इसलिए हो रहे हैं, ख़त्म हो चुका है आज करके। चलिए फिर चलते हैं अब। सो गाइज फाइनली मैं लेके आ गई हूँ चार बार और अब मैं जा रही हूँ पांचवी बार, सासू जी बांध रहे हैं, मैं लेके आ रही हूँ ऊपर से, लेके आ रही हूँ मैं, यहाँ पे रख रही हूँ। तो गाइज ऊपर से लाते लाते खुल जा रहा है और मुंडी चली जा रही है गजू के अंदर, जो मैं बांध के लेके आ रही हूँ उसके अंदर मुंडी चली जा रही है, रस्सी में बांध के लेके आ रही हूँ, तो ढीला हो जा रहा है और खुल जा रहा है, मुंडी चली जा रही है उसके अंदर ऊपर, फिर जा रहा नीचे ऊपर, ला ला ला। तो दोस्तों जिसको सासू जी बांध रहे थे और जो हमने कल काटा था उसको सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया है ऊपर से, सात बार लेके आई मैं और एक बार सासू जी लेके आए हैं, तो ऊपर से सारा लेके आ गए हैं, यहाँ पे रख दिया है, शाम को बनाएंगे इसका लोटा और जो आज काटा है उसको भी बांधेंगे शाम को। चलिए फिर दोस्तों चलते हैं घर को लंच करने, चलिए फिर जाते हैं लंच करने।
फाइनली दोस्तों घर पहुंच के हाथ में धो के आ गई हूँ मैं अंदर। अब चलती हूँ ऊपर लंच करने। चलिए फिर चलते हैं, लंच करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको लंच करके। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहें, शाम को हम क्या काम करते हैं आप लोग भी देखें। फाइनली गाइज हो चुका है हमारा लंच। लंच वगैरह करके मैं नीचे आ गई हूँ अपने रूम पे। बर्तन झाड़ू भी हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर चलेंगे। कहाँ जाना पता नहीं, अभी सासू जी बताएंगे फिर जाएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर से, अब हम जा रहे हैं घास काटने ये नीचे सासू जी और मैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करा, अब आ चुके हैं घास काटने के लिए भैंसों के लिए। फिर उसके बाद जो आज काटा हमने गाजू उसको बांधेंगे शाम के टाइम पे, और लूड भी बनाएंगे। जितना गाजू एक जगह इकट्ठा कर रखा है और आज वाला परसों वाला सब एक लूड बनाएंगे बड़ा सा। तो सासू जी आ रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ, ये नीचे काट रहे हैं हम घास। तो सासू जी काट रहे हैं यहाँ पर घास, मैं जा रही हूँ यहाँ नीचे। चलिए फिर फटाफट चलते हैं, घास काटते हैं फिर घर जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैंने काट लिया है घास, अब चलते हैं घर को। सासू जी का भी हो चुका है, मेरा भी हो चुका है, चलिए फिर चलते हैं घर को। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घास काटने से घर, अब जा रहे हैं हम लूट लगाने। ससुर जी लगा रहे हैं, मैं फेंकूंगी, और सासू जी वाला बांध रहे हैं जो आज हमने काटा था, थोड़ा थोड़ा है उसको बांध रहे हैं। तो गाइज हमने जो आज काटा था वो भी बांध दिया है, और इसको ससुर जी लूट लगा रहे हैं, और मैं भी फेंक रही थी। अब मैं एक बार लेने के लिए आ गई हूँ। सो गाइज फाइनली हमारा आज गाजू काट के कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए उसी की खुशी में आज ससुर जी लेके आए हैं मुर्गी। आज हम बनाएंगे चिकन कुकड़ी कु। ये हमारा दूसरा लगती है, देंगे हम बनाए पहाड़ी खड़ा चिकन, अभी डालेंगे चिकन ये लगती। जब खाओगे तब पता लगेगा। ऐसे मसाला पूरी तरह मिल गया, ऐसे में रखेंगे हम ढक्कन। ये वैसे खाएंगे, ये देखो लेग पीस हमारी प्लेट है, ये एक ही मेरी लड़के का है, ये दोनों खाते हैं लेग पीस। आप जिसको खाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक बार मेरे हाथ का बना हुआ खास चिकन खाइए। तो दोस्तों जब भी हमारे घर में चिकन या मटन बनता है मेरे ससुर जी बनाते हैं, क्योंकि ससुर जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। मैंने तो एक ही बार बनाए हैं बस। ये देखो गाइस, जब भी बनता है गाइस चिकन हमारे घर में ससुर जी बनाते हैं हमेशा खड़ा चिकन, क्योंकि ससुर जी बहुत अच्छा बनाते हैं खड़ा चिकन। सो गाइज फाइनली मैं डिनर करके आ चुकी हूँ अपने रूम पे। तो जस्ट मैं अभी अभी आ रही हूँ डिनर करके। तो आज डिनर में था चिकन और रोटी, चिकन बनाया ससुर जी ने। जब भी गाइज हमारे घर में चिकन या मटन बनता है हमेशा मेरे ससुर जी बनाते हैं, क्योंकि वही अच्छा बनाते हैं। मैंने एक या दो बार बना रखा है सिर्फ, हमेशा जब भी बनाते हैं हम चिकन मटन ससुर जी ही बनाते हैं। तो फाइनली गाइज आज मैंने अपने ससुर जी के सामने ब्लॉग बनाया पहली बार। शादी को हो चुके हैं 9-10 महीने,
मैंने आज तक कभी भी ससुर जी के सामने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था और डर भी लगती थी। तो आज पहली बार मैंने ससुर जी के सामने ब्लॉग बनाया, साथ साथ में आज पहली बार ससुर जी ने भी मेरे साथ ब्लॉग बनाया, तो मुझे अच्छा लगा। आज पहली बार बनाया मैंने, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जैसी अजीब जैसा लगता था। सो गाइज, फाइनली हमने गजू काट के ख़त्म कर दिया है। आज थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द, कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, बुखार आने का जैसा हो रहा है। हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द हो रही है, पता नहीं अब क्या होता है। थकान से लग रहे हैं, पता नहीं कहीं बुखार ना आ जाए। तो गाइज़, मुझे चिकन तो अच्छा लगता है, बट मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं गर्म की वजह से मुँह में छाले ना आ जाए, और ज़्यादा सूट भी नहीं करता मुझे गरम मसाले, ये कुछ भी, मतलब जैसे लहसुन, गरम मसाले मुँह में छाले निकलने लग जाते हैं, अजीब जैसा होने लग जाता मुझे। अच्छा तो लगते हैं बट मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। आज तो मैंने खाया ही, तब भी जो होगा देखा जाएगा करके। इन छालों से हो चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान, फिर से आने लग गए हैं दो, एक जीप में एक होठ में। वो ठीक हो रखे थे पहले वाले, ये आने लग गए। तो गाइज, मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मैं गीता बिरखवाल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।